हरिद्वार गए हैं और वहाँ पर जो मंदिर हैं, मुख्य मंदिर, अगर उनके आपने दर्शन नहीं किए तो आपने कुछ भी नहीं किया। हरिद्वार हर की पौड़ी स्नान करने के बाद आपको मुख्य दो मंदिर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तीसरा मंदिर भी होता है, मैं आपको भी वो भी बताऊँगा, लेकिन जो दो मुख्य मंदिर हैं, एक है माता चंडी देवी का और एक है माता मनसा देवी का। मनसा देवी का मंदिर बिल्कुल पास में ही है, जो सामने पहाड़ होता है उसी पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन चंडी देवी के लिए आपको 6-7 किलोमीटर ऑटो से आपको जाना पड़ता है। अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ चंडी देवी के लिए। तो ये पूरी यात्रा होगी माता चंडी, जो हरिद्वार में मंदिर स्थित है, उसकी यात्रा होगी। आप ये देख सकते हैं, ये हाईवे है और इस हाईवे को आप देख सकते हैं, गंगा माता का जो पानी रोका होता है, यहाँ पर भी घाट बने हुए हैं। तो गंगा, जैसे हरिद्वार में जाएंगे तो बहुत सारे घाट हैं, मेन घाट हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी में आप स्नान करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो साइड साइड में देखेंगे दोनों साइड घाट बने हुए हैं। तो यहाँ भी आप लगभग हर की पौड़ी से 4-5 किलोमीटर आगे भी आ जाएंगे तब भी इस साइड घाट बना हो, क्योंकि जब महाकुंभ होता है तो वहाँ यहाँ पर जो है इन घाटों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि हर कोई हर की पौड़ी नहीं पहुँच सकता। तो ये सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं, मेरे को इस पहाड़ पर चढ़ना है और इसी पहाड़ पर जो है माता चंडी देवी का वो धाम देखने को आपको मिलेगा। वीडियो पर आप बने रहें और आपको मैं लाइव दर्शन करवाऊंगा, और कितनी सारी समस्याएं आती हैं रास्ते में चढ़ते समय वो भी आपको आज देखने को मिलेगा। पहाड़ पर कैसे कैसे जो है रास्ते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी शॉर्टकट रास्ते होते हैं जिसको आप देख कर डर जाएंगे कि ऐसा भी रास्ता है, और वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा। क्योंकि मैं कई बार गया हूँ इस धाम में, तो इस बार मैं इसको पूरा का पूरा आपको एक ऐसे रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। ये सब लोग, कुछ लोग ऐसा भी हैं जिनकी मान्यता होती है, ये लोग पैदल ही वहाँ के लिए जा रहे होते हैं। तो इनका क्या होता है कि जैसे हर के पौड़ी में स्नान किया, उसके बाद घूमते घूमते ये चंडी माता का जो पर्वत है वहाँ तक पहुँचते हैं, और उसके बाद वहाँ से आप वहाँ से चढ़ाई करना चाहते हैं तो सीढ़ियों से भी चढ़ाई कर सकते हैं, और वहाँ पर जो एलिवेटर होता है या उड़न खटोला होता है उससे भी आप चढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का आपको देखेगा। बात है, अगर आप हरिद्वार गए हैं तो माता का दरबार भी है, तो माता के दरबार में जाकर आप दर्शन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे आप ये देखिए इन पहाड़ों का नज़ारा। खास बात ये भी है, देखो अगर आप यहाँ पर जाइए और उसके बाद आपको जो सुकून मिलेगा वो आप सोच कर भी नहीं रह सकते। हरिद्वार में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आप कहीं भी जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगी। हरिद्वार गए आप, माता चंडी देवी के दर्शन कीजिए, माता मनसा देवी के दर्शन कीजिए, और एक धाम और मैं आपको बताता हूँ, दक्षेश्वर महादेव मंदिर एक है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से जो हर की पौड़ी है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं गए हुए होते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ अलग सा ही आपको देखने को मिलेगा। गंगा किनारे वह भी एक मंदिर स्थित है, लेकिन वहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर, आप सभी को पता है जो भगवान भोलेनाथ के ससुर थे, उनका नाम था दक्ष प्रजापति, तो उनका एक मंदिर बना हुआ है। लेकिन वहाँ पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की एक ऐसी प्रतिमा है जो आप देखकर कहते हैं, जब सती जो है आग में कूद कर सती अपने शरीर को जला लिया था, वहाँ पर वो रूप भी भगवान भोलेनाथ का दिखाया। जैसे आप मंदिर में एंटर करते हैं तो आपको वो रूप भी दिखाया जाएगा, क्योंकि जैसे आप उस दक्षेश्वर महादेव मंदिर के गेट तक पहुँचते हैं वहाँ पर देखेंगे भगवान भोलेनाथ की बहुत ही भारी, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी, और उस अपने हाथों में कहते हैं अपने जो हाथों में जो है माता जो सती थी उनको जो है उठा रखा होता है, उसके बाद ही वो भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चढ़ाई शुरू होती है, और ये वो जगह है जहाँ से हम लोग चढ़ना शुरू करने वाले होते हैं। तो ये वो जगह है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल माता का जो चंडी माता का दरबार है वहाँ से ये इस तरीके से प्लेन रास्ता होता है, जैसे आप माता वैष्णो देवी जाते हैं तो इस तरीके से हम चढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। अब हमने चढ़ाई करनी, अब कुछ जैसे रास्ते में देखो ये साइड में एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा हुआ, ऐसी मान्यता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जिसके घर नहीं है या घर बनाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर इन पत्थरों को एक तरीके से वरदान मांगते हैं, ईंट मानते हैं, और उन पत्थरों को एक पे ऊपर एक रख देते हैं तो एक होता है। बाकी आप रास्ते भर में जाइएगा, प्रसाद आपको यहीं से मिलने लगता है, नीचे से ही, आप हो सके तो यहाँ से ले लें, नहीं तो आप पूरी रास्ते आपको प्रसाद मिलता ही रहेगा। सब लोग बोलेंगे बैग रख दो, चप्पल रख दो, जूते रख दो और जाओ आराम से।
अभी क्या हुआ है, माटा चंडी जा भी दे जाते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो रास्ता कच्चा वाला है ये टूटा भी हुआ है कई सारी जगहों से, और इतने गंदे तरीके से टूटा हुआ है कि आप अगर थोड़ा सा भी आपका दिमाग ख़त्म हुआ तो आप किस खाई में जाकर गिरेंगे आपको पता भी नहीं है। तो संभल कर चलें, और बाकी वैसे रास्ता अगर थोड़ा सा अगर संभल के चलेंगे तो बाकी उस पूरा का पूरा रास्ता ठीक ही होगा, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा जो है रास्ता ख़राब भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम बढ़ते हुए आगे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, और पूरा चारों तरफ जंगल ही है, और यहाँ पर एक वार्निंग ज़रूर देखने को मिलती है आपको कि अगर आप मंदिर पे दर्शन करने के लिए तो इधर उधर ना भटके, जो रास्ता है उसी रास्ते से आप जाएं, शॉर्टकट ना लें, क्योंकि रास्ते में जंगल है, बहुत सारे जंगली जानवर आपको मिल सकते हैं, सांप वगैरह तो ऐसे मिल सकते हैं, बाकी वहाँ पर अलग अलग तरीके की वार्निंग होती है कि चीता भी दिख सकता है। तो ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ है और वो मंदिर है, वो आपने देखा जो अभी, ये वो मंदिर है, ये देखिए हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमें चढ़ाई करते हुए माता चंडी देवी के सामने, अभी हम बिल्कुल भी नीचे हैं, 100 मीटर ही ऊपर आए होंगे लगभग, तो हम यहाँ से चढ़ना अभी शुरू ही कर रहे हैं, ये प्लेन रास्ता है और इसके बाद हम पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हमें चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाना है। वीडियो पर बने रहें, बहुत सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, जंगल किस तरीके से दिखता है, और चारों तरफ जंगल में अलग अलग तरीके के लोग हैं, पेड़ अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। ये जो बैर आप देख रहे हैं, और एक है रामफल, रामफल और बैर, ये सारी चीज़ें वहाँ की देसी चीज़ हैं, उसी जंगल से तोड़ कर लाते हैं, वहीं पर मिलती हैं चीज़ें। इन बैर, ये जो खट्टी मीठी छोटी वाली बैर होती हैं, इसको आप सभी को बता दूँ एक बात खास इसके बारे में, अगर आप लोग अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ का जो नाम है, एक बात ये भी मानना है, ये जो फल है, जो बेर होती है छोटी वाली लाल और पीली थोड़ी सी, और खाने में खट्टी और मीठी दोनों लगती है, कहते हैं बद्रीनाथ आप जाते हैं तो वहाँ पर ये बेर बहुत ज़्यादा होती है, तो बद्रीनाथ का नाम इस कारण से भी उस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा हुआ है, सिर्फ यह एक कहावतें हैं, ये पक्का नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप वैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आप जैसे ही जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर बद्रीनाथ नाम इसी से पड़ा हुआ है, ऐसी मान्यताएं हैं। फिर हम इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और रास्ते में कुछ लोग आपको कह लो कि एक तरीके से आपको माथे पे टीका लगाने वाले लोग मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के रूप के लोग मिलते हैं, अब इनसे आपको क्या करना है आप ही बच करने के लिए, या क्या करना है आप सोचिए। तो ये लोग हैं बस, आपको मिल जाते हैं ऐसे ही, तो आप इन लोगों से बच के रहें, या फिर जैसा भी है आपको, क्योंकि ये सब 8-10 लोग इकट्ठे ही मिलते हैं आपको जहाँ भी मिलेंगे। और इस तरीके से आप जंगल में चढ़ाई करते हुए आगे अगर आप बढ़ते जाएंगे तो माता का जो धाम है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं धीरे धीरे करते हुए। और आप अब आप देखिए ये जो दिख रहा है रास्ता, ये शॉर्टकट का रास्ता है, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये शॉर्टकट रास्ता है, और इस शॉर्टकट रास्ते से आपके लिए जाना बहुत ही कठिन हो सकता है, क्योंकि मैं तो जब भी जाता हूँ मैं चला जाता हूँ, क्यों मैं जल्दबाजी में होता हूँ और इन रास्तों से मैं चढ़ते हुए चला जाता हूँ, लेकिन आप जाएँ तो कभी भी इन रास्तों से ना जाएँ, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। पूरी वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बना सकता था क्योंकि चढ़ते चढ़ते मैं खुद थक गया था इतना ज़्यादा कि मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मैं करूँ क्या। तो इसलिए आप जब भी जाएँ तो आप ये सोच समझ के जाएँ, जैसे भी है आप आराम से चढ़िए और शांति से चढ़ते हुए जाइए, 1-2 घंटे ज़्यादा जैसे ही हमारे सामने धीरे धीरे लोग चल रहे हैं तो 2-3 घंटा लग जाएगा इनको चलने में, तो आराम से चढ़ते जाइए। देखिए कितना गहरी खाइयाँ हैं साइड साइड में, और रोड के इसी बने हुए हैं और उसी पर लोग चलते हुए जा रहे हैं, सब माता का चमत्कार है, और आप भी माता के चमत्कार के लिए जा रहे हैं। आप ये देखिए कैसे इस तरीके से वो रूट टूट चुका है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, अगर यहाँ पर पैर फिसला तो आप किस खाई में जाकर गिरेंगे आपको भी नहीं पता है, आप मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, ऊपर आने का क्या होगा। तो इस तरीके से आप चढ़ते हुए जाएं, और अलग अलग तरीके से अभी आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक अलग ही चीज़ आपको दिखाऊंगा जहाँ पर, और लेकिन अगर आप एक बार चढ़ गए दर्शन कर लिया उसके बाद आपके लिए आसान बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं चंडी माता की चढ़ाई कर रहा हूँ इस समय, और आप रोड देख सकते हैं किस तरीके से, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बिल्कुल सीधी चढ़ाई है यहाँ पे, और काफ़ी सारी समस्याएं हैं और रास्ते में देखने को मिलेंगे। अब मैं चढ़ने वाला हूँ कुछ इस तरीके के रास्ते से,
काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी चढ़ने वाला हूँ। चलो चढ़ने के बाद देखता हूँ। लगभग माता चंडी देवी का आधा रास्ता चढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपका व्यू, जो नीचे का व्यू देखें। और ये देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। चढ़ते जाओ और शायद 15 मिनट से आधे घंटे में माता तक पहुंच सकते हैं इस तरीके से चढ़ते हुए। जब आप माता के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, उस धाम के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं जहां माता चंडी का मंदिर है, उसके बाद यहां से कुछ इस तरीके से आपको ये सामने आप देख रहे हैं माता चंडी देवी का मंदिर, और सामने आप देख सकते हैं इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। पूरा हरिद्वार ऊपर से इस तरीके से दिखाई देता है, गंगा मैया दूर से दिखाई दे रही है, और जिस आप पहाड़ पर चढ़े हुए हैं उससे नीचे की आप देख सकते हैं कितने ऊँचे, आप बिल्कुल एकदम जो पहाड़ का ऊँचे वाला हिस्सा है वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। और माता का दरबार बस 2-3 मिनट की दूरी पर ही है, और मैं वहाँ पर पहुँच चुका था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था और इसलिए मैं बैठ कर चढ़ाई करो तो माँ कहती है पीछे, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी लोग थे वो सब पीछे छूट गए थे। तो मैंने सोचा वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेता हूँ और उसके बाद जाकर माता चंडी के दर्शन कर लूँगा। आप भी एक बार ज़रूर जाइए माता चंडी के द्वार पर एक बार दर्शन करके। अगले वीडियो में आपको पूरी वीडियो मिलेगी मंदिर के अंदर।